अस्सलाम वालेकुम जी, आपके इस चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। आज मैं आप लोग के लिए वेदर के अपडेट लेकर हाजिर हुआ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अपने गांव की, तो चक नंबर 158 ख्वाजा रोड तहसील ज़िला साहिवाल, उसके हवाले से अगर हम बात करना चाहें तो मौसम क्या रहेगा। तो आज रात यानी जुमेरात की रात को 2 बजे से लेकर 5 बजे तक बारिश होने के चांसेस हैं। तो यानी 2 से 5 आज रात 2 AM से 5 AM तक बारिश होने के चांसेस हैं। और अगर हम इसी तरह बात करें कि आने वाले दिनों में इस गांव के हवाले से, तो आने वाले दिनों में जुमा से लेकर इतवार तक बारिश होने के चांसेस हैं। तो इसी तरह हम अगर साहिवाल ज़िला की बात करना चाहें तो साहिवाल ज़िला के हवाले से अगर हम बात करें तो साहिवाल के हवाले से भी यही अपडेट है कि 2 बजे से 5 बजे तक और आने वाले जुमा हफ्ता इतवार बारिश होगी। तो इसी तरह हम अगर बात करें उकाड़ा की, तो उकाड़ा के हवाले से अगर हम बात करना चाहें तो ये भी वही सूरतयाल है, 2 से 5 आज रात बारिश होने के चांसेस और जुमा हफ्ता इतवार बारिश रहेगी। अगर हम इसी तरह बात करना चाहें, इधर हम आ जाते हैं चीचा वतनी की साइड पे, तो चीचा वतनी के हवाले से अगर हम बात करना चाहें तो चीचा वतनी के हवाले से अगर हम बात करें तो 2 से 5 ये भी वही हिसाब किताब है, तो जुमा हफ्ता इतवार बारिश रहेगी। और अगर हम इसी तरह बात करना चाहें समंदरी की, तो ये मंडे तक बारिश होने के चांसेस हैं और 2 से 5 रात को बारिश होने के चांसेस हैं और जुमा हफ्ता इतवार सोमवार यानी बारिश होने के चांसेस हैं। अगर हम बात करें फैसलाबाद की, फैसलाबाद की तरफ चले जाते हैं जी, फैसलाबाद यानी तो ये जो है चांसेस 11 रात के 11 बजे से लेकर 5 बजे तक चांसेस बारिश के हैं और जुमा हफ्ता इतवार सोमवार यानी 4 दिन बारिश रहने के चांसेस हैं। तो इसी तरह हम अगर बात ये जंग की अगर हम बात करें तो जंग के हवाले से भी 2 से 5 रात के बारिश रहेगी और फ्राइडे सैटरडे और संडे बारिश होने के चांसेस हैं। तो अगर हम बात करें तो सबसे अहम हमारे कैपिटल शहर इस्लामाबाद की अगर हम बात करना चाहें तो इस बारिशें तो माशाल्लाह क्या ही बातें हैं, बारिशें ही बारिशें हैं। तो आज रात को भी बारिश है और उसके साथ साथ जुमेरात जुमा हफ्ता इतवार सोमवार मंगल आने वाले दिनों में बारिशें ही बारिशें हैं इस्लामाबाद में। तो अगर हम बात करें तो इसी तरह अगर हम लाहौर की बात करें, मंडी बहाउद्दीन की बात करें, तो बारिशें आने वाले दिनों में हैं, तकरीबन पूरे पाकिस्तान में बारिशें ही बारिशें हैं। तो गर्मी की शिद्दत कम हो जाएगी, तो थोड़ा सा अपने यानी आपने यानी जो चीज़ें आपने काश्त की हैं उनको भी आपने चक्कर लगाते रहना है और उसके साथ साथ आपने यानी ख्याल भी रखना है। तो इसके साथ ही आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा, आपको थोड़ी सी अपडेट दी है, तो इंशाल्लाह बारिशें होंगी आने वाले दिनों में, तो मौसम भी खुशगवार हो जाएगा। और लेकिन जो चीज़ें आपने काश्त की हैं जैसे कि तिली वगैरह आपने काश्त की है, तो उसके हवाले से पानी वगैरह ज़्यादा नहीं ठहरने देना, पानी वगैरह निकाल देना है। तो इसके साथ ही आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। ओके, अल्लाह हाफिज़।